Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope everyone's fit and fine guys. अगर नहीं है fit, तो please अपनी health के लिए कुछ ज़रूर करें guys. Anything, gymming, cycling, swimming, jogging, कुछ भी करें but make sure अपनी health को जो है वो ज़रूर priority दें. बाकी काम भी ज़रूरी हैं but make sure your health is your number one priority. तो गाइस, आज मैं बात करना चाहूँगा कि हम जो है अपनी बॉडी के बॉडी वेट के हिसाब से कैसे जो है प्रोटीन पूरा कर सकते हैं विदाउट वे प्रोटीन के बिना. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं 80 केजी का है मेरा वेट, राइट? तो 80 केजी का मुझे चाहिए उसका डबल प्रोटीन मिनिमम. कई तो लोग ज़्यादा भी लेते हैं, जैसे 2.5 times या 3 times भी लेते हैं कई लोग, बट डबल जो है वो ठीक है, बजट में वो आ जाता है मेरे डबल. जो अगर मैं वो प्रोटीन लेना चाहूँ उस हिसाब से, तो वो डबल जो है बजट में मेरे जो प्रोटीन मुझे चाहिए वो उस हिसाब से मुझे डबल बजट, जब मैं उसका डबल बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का जब मैं परचेज़ करता हूँ तो वो मेरे बजट में वो आ जाता है. तो अब कैसे वो ब्रेक डाउन करना है, जैसे 80 है तो मुझे 160 चाहिए प्रोटीन. तो मैं क्या करता हूँ, 10 अंडे खा लेता हूँ मैं, 10 eggs, जिसमें कि 5 होते हैं होल eggs, राइट, और 5 होते हैं एग वाइट्स. तो आप हिसाब लगाएं कि 5 जो हो गए वो एक होल एग में होता है 6 ग्राम प्रोटीन, राइट? तो 5 का हो गया जी 30 ग्राम प्रोटीन, और 5 जो एग वाइट हैं, राइट, उसमें होता है एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन, तो वो हो गया 15 ग्राम. और तो 30 और 15 45 ग्राम प्रोटीन जो है वो मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले लेता हूँ. और उसके अलावा जब मैं ओट्स लेता हूँ और 150-200 ग्राम मैं ओट्स लेता हूँ, तो उसके अंदर ही मुझे 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ओट्स में भी. फिर उसके बाद जो है मैं उसमें सीड्स डालता हूँ, सीड्स जैसे चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, फिर उसमें मैं पीनट बटर डालता हूँ, 2 टेबलस्पून पीनट बटर. तो पीनट बटर के 2 टेबलस्पून में भी मुझे जो है 8 ग्राम जो प्रोटीन मिल जाता है मुझे, 8 ग्राम. तो वो हो गया 45 और 8 कितना हो गया, 53. तो 50 मान के चलते हैं हम, 50 ग्राम प्रोटीन ये हो गया, 2 टेबलस्पून जब पीनट बटर भी मैंने ऐड कर दिए. और उसके साथ मैं ऐड करता हूँ 100 ग्राम जो है चीज़ पनीर, 100 ग्राम पनीर जो है उसमें मिल जाता है मुझे 15 से 18 ग्राम प्रोटीन. तो 50 और 15 हो गया 65 ग्राम जो प्रोटीन है वो मैं अपना फर्स्ट मील में ही ले लेता हूँ. तो नियर अबाउट जो है मेरा 100 जो ग्राम प्रोटीन है जो बचा. अब वो कैसे लेना है, वो कैसे मैं पूरा करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं या तो 500 ग्राम मैं चिकन ले जाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है? जो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है उसके अंदर भी 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट? तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में हो गया 20 से 22 ग्राम, तो वो 5 times उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 100 ग्राम्स. अब कई लोग जो हैं वो आधा किलो चिकन इकट्ठा नहीं खा सकते, तो आप उसको जो है ब्रेक डाउन कर लें हाफ हाफ, लंच में ले लें और डिनर में ले लें हाफ. मैं तो एक बार में ही मैं 2 मील लेता हूँ दिन में. तो एक मील मैं एग्स के साथ लेता हूँ जो एग वाली मील है, और एक जो मेरी रात को जब मैं डिनर करता हूँ तो वो हो जाती है उसमें मेरी, एक ही बार में मैं अपना जो है वो चिकन जो है वो ले लेता हूँ. कई बार मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही आधा किलो जो है फ़िश ले आता हूँ कई बार, तो फ़िश में भी मुझे जो है 100 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है मुझे, ठीक है? तो कभी कभार मैं क्या करता हूँ कि मैं आधा किलो जो है वो गॉट मीट, जो जिसको हम बोलते हैं बकरा, गॉट मीट में ले आता हूँ कई बार आधा किलो. तो गॉट मीट में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें 25 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है. तो देखो आप ऐसे जो है आप अपनी जो डाइट को जो है आप उसको बिना वे प्रोटीन के, कि कैसे हम हाउ टू गेट सफिशिएंट प्रोटीन विदाउट वे प्रोटीन नेचुरली, राइट? तो ऐसे जो है मैं अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ गाइज. और आप ज़रूर ट्राई करें अपना उसको ब्रेक डाउन करें बॉडी वेट के हिसाब से, फिर देखें चीज़ों को कि उसमें डिस्क्रिप्शन दी होती है सब में. गूगल पे चेक करें कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है अगर मैं ये चीज़ खाऊं या ये चीज़ लूं, जैसे बीन्स लेते हैं कई, राजमा हो गए या ऐसे, तो आप चेक करें तो उस हिसाब से आप जो है उसको अपना
कैलकुलेट करके पूरे दिन का जो है 24 घंटे में जो है अपना जो बॉडी वेट के हिसाब से डबल प्रोटीन जो है आप ऐसे ले सकते हैं विदाउट वे प्रोटीन. सो दिस इज़ हाउ यू गेट योर प्रोटीन विदाउट वे प्रोटीन. ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ जिम गाइज. तो अगली वीडियो में डालूँगा कि कैसे जो है आप अपना कार्ब्स ले सकते हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए फैट लूज़ करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, वो भी उस पर मैं अगली वीडियो डालूँगा. एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मैंने नया फ़ोन नहीं लिया है, तो उसकी वजह से जो है इस फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, हैंग हो जाता है ये कई बार. तो कई बार वीडियोज़ जो मैं इसमें जो अपलोड करता हूँ वो कई बार आई क्लाउड से डाउनलोड होती हैं, तो वो डाउनलोड ही नहीं हो पाती, कई बार उसमें एरर आ जाता है. तो उस वजह से जो है मुझे टाइम लगता है वीडियो को अपलोड करने में. बहुत जल्दी मैं जो है वो फ़ोन ले लूँगा नया, तो फिर मैं रेगुलरली जो है वीडियोस डालूँगा. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं. थैंक यू गाइज, आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है. तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ वीडियो जो है वो डालता रहूँगा. कोई भी सजेशन, कोई सुझाव, कोई भी आपको हो मुझे कमेंट कर रहे हैं. और राइट, अब मैं जा रहा हूँ फुल बॉडी करने वर्कआउट. मैं रोज़ फुल बॉडी करता हूँ. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और हेल्थ के लिए ज़रूर कुछ करें गाइज. बाय.